आज दिनांक 21 सितंबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब कुछ अन्य लैबों से एवं जो एंटीजन टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 58 लोगों की 58 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा एक सूचना ये भी है कि 15 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, इसमें से कुछ होम क्वारंटाइन भी हैं, 5-6 लोग होम क्वारंटाइन हैं। इसके अलावा एक सूचना ये भी है, 2 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये काफ़ी गंभीर स्थिति में थे, उम्र भी दोनों लोगों की ज़्यादा थी, वृद्ध थे, इन 2 लोगों की आज मृत्यु हो गई है, ये सागर के थे। इसके अलावा एक छतरपुर के पेशेंट जो रेफर होके आए थे उनकी भी आज मृत्यु हो गई है। तो आज जो लोग पॉजिटिव आए हैं, जो व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं उनके डिटेल इस प्रकार हैं, पहले जो है 75 वर्षीय महिला परकोटा से, दूसरे 52 वर्षीय महिला उमरा सागर से, इसके अलावा 63 वर्षीय पुरुष देवरी से, 26 वर्षीय पुरुष यशविहार कॉलोनी से, 35 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, एक और 35 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, इसके अलावा 39 वर्षीय पुरुष महाराजपुर से, 30 वर्षीय पुरुष देवरी से, 14 वर्षीय बालक खांडेराव वार्ड से, 40 वर्षीय महिला सदर से, 17 वर्षीय युवती गुरु गोविंद सिंह वार्ड से, 32 वर्षीय पुरुष पुरानी सदर से, 41 वर्षीय पुरुष कनेरा देव से, 3 वर्षीय बालिका मकरोनिया से, 30 वर्षीय पुरुष रहली से, 25 वर्षीय पुरुष सेंट्रल जेल और 35 वर्षीय पुरुष जवाहरलाल नेहरू अकेडमी परकोटा, इसके अलावा 26 वर्षीय पुरुष ये भी वहीं अकेडमी परकोटा से, 29 वर्षीय महिला रजाखेड़ी से, 27 वर्षीय महिला रजाखेड़ी से, 35 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, 70 वर्षीय महिला शिवाजी वार्ड से, 86 वर्षीय पुरुष ये भी शिवाजी वार्ड से, 30 वर्षीय महिला मकरोनिया से, 7 वर्षीय बालक मकरोनिया से, 61 वर्षीय पुरुष ये भी जवाहरलाल नेहरू अकेडमी से परकोटा से, 55 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, 78 वर्षीय महिला मोतीनगर, इसके अलावा 61 वर्षीय एवं 30 वर्षीय पुरुष सेंट्रल जेल से, 30 वर्षीय पुरुष, 31 वर्षीय पुरुष और एक बार फिर 31 वर्षीय पुरुष, ये सभी सेंट्रल जेल के कैदी हैं। इसके अलावा 35 वर्षीय पुरुष मोतीनगर से, 52 वर्षीय पुरुष मोतीनगर से, 30 वर्षीय पुरुष रहली से, 30 वर्षीय महिला गौरझामर से एवं 40 वर्षीय महिला ये भी गौरझामर से, 35 वर्षीय महिला बंडा से, 47 वर्षीय पुरुष मकरोनिया, 43 वर्षीय महिला मकरोनिया, 33 वर्षीय महिला ये भी मकरोनिया से, इसके अलावा 31 वर्षीय पुरुष एवं 65 वर्षीय पुरुष और 40 वर्षीय पुरुष ये सभी बीना से, इसके बाद 25 वर्षीय पुरुष शाहगढ़ से, 30 वर्षीय पुरुष गोपालगंज से, इसके बाद 20 वर्षीय और 24 वर्षीय पुरुष दोनों सेंट्रल जेल से, इसके बाद 60 वर्षीय महिला गोपालगंज से, 55 वर्षीय महिला चैतन्य अस्पताल के पास, इसके बाद 75 वर्षीय महिला यादव कॉलोनी, 41 वर्षीय पुरुष ढाना, 23 वर्षीय पुरुष बंडा बिलई, 62 वर्षीय पुरुष मोतीनगर, 23 वर्षीय पुरुष तिली, 55 वर्षीय महिला शुक्रवारी एवं आखिर में 55 वर्षीय पुरुष रामटेक। तो आज का यही अपडेट है, फिर से अपील करूंगा सावधानी बनाए रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि अस्पतालों में कितनी मरीज भर्ती हो रहे हैं, तो ये सभी मुश्किलों से बचने के लिए सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मास्क का लगातार प्रयोग करना एवं कहीं भी बाहर जाने से पहले, बाहर जाने के बाद और कोई भी खाना पीना या किसी भी काम करने से पहले हाथ को धोना बहुत ज़रूरी है। तो आज का यही अपडेट है, नमस्कार।